भिंडी का सालन बहुत खाएंगे, एक बार मेरे तरीके से बनाओ। भिंडी मूंग दाल अचारी मसाला इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। एक बार जरूर बना के देखो। चलो आओ शुरू करते हैं बनाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अमीना की मेहमान नवाजी। तो आज हम बनाएंगे भिंडी मूंग दाल अचारी मसाला। तो ये भिंडी मैंने अच्छे से इसको धो के सुखा के इसको ऐसे चीर लगा ली हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके। तो इसमें एक चम्मच बेसन है, एक चम्मच मैदे का आटा, एक एक चम्मच। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से कोट हो जाएगा। इसकी बेसन और मैदे की आटे की कोट हो गई है, तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। अचारी मसाला तैयार करने के लिए तो ये आधा चम्मच सौंफ, आधे से कम ये मेथी दाना, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच धनिया के बीज, ये चार से पांच सूखी मिर्ची है तेज वाली है, और ये पीली राई एक चम्मच। ये तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको हम एक कढ़ाई में डाल के एक साथ हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। राई हम बाद में डालेंगे, तो इसको 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। खुशबू आने लगी है तो अब मैं इसमें गैस बंद कर देती हूँ। अब ये राई डालेंगे गैस बंद करके, इसे निकाल के इसको एक प्लेट में अब ठंडा करेंगे हम। 1.25 किलो दही है, तो इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची हम सूखी भी पीस के रखे हैं अचारी के साथ, कश्मीरी लाल मिर्ची एक चम्मच भर के। अब इसको हम मिक्स करके बढ़िया से मिक्स करके दही में, 1.25 किलो दही है, तो इसको फेंट के हम रेडी कर लिए हैं। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब भिंडी फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल 6 चम्मच डाली है, तो ये तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम एक एक करके सब फ्राई करेंगे, एक साथ पूरा नहीं करेंगे। फ्राई हो गई है तो मैं इसको 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करी हूँ, एकदम सॉफ्ट हो गई है। अचारी मसाला मैंने पीस के रेडी कर ली, एकदम मोटा सा पीसी हूँ, दरदरा सा। आगे के लिए थोड़ा सा एक चुटकी थोड़ा सा धनिया की बीज, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली राई। तेल गर्म हो गया, इसमें हम डाल देते हैं, तो इसको थोड़ा चटकने देते हैं। जीरा और धनिया की बीज चटक गई है, तो ये 4 मीडियम साइज का कांदा है, इसको बारीक काटी हूँ। तो इसको अब डालेंगे तड़के में। तो कांदा हल्का ब्राउन हो गया है, इतने ब्राउन रहना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, दरदरा फूटा हुआ है। अब इसको डाल के 4 से 5 सेकंड इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। लहसुन की खुशबू आने लगी है, तो अभी इसी शेप से हम ये मसाला डालेंगे, दही में जो मिक्स करके रखे हैं पाउडर वाला। गैस एकदम मीडियम पे रखना। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डालेंगे। दही मसाला मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट ढक के भूनेंगे। ढक के भूनने से खुशबू अच्छी बनी रहती है। इसको देखते हैं खोल के 1 से 1.5 मिनट के बाद। तो ये अच्छे से हो गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें ये मूंग की दाल है 3 चम्मच बड़े चम्मच से, इसको मैं आधा घंटा भिगा के रखी थी। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची है, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, तो तीखा में हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है। अब इसी स्टेज पर हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार अपने डालना। मसाला हमारा आधे से ज़्यादा पक गया है, तो अब हम इस पर अचारी मसाला डालेंगे, क्योंकि ये कम भुना हुआ है तो थोड़ा पकना चाहिए इसको, इसको ज़्यादा नहीं पकाने का है। अभी से खुशबू आने लगी। अचारी मसाला डाल के अब इसको भी मैं 1 मिनट ढक के भूनूंगी, बीच में खोल के 1-2 बार चेक करूँगी। ये मूँग दाल डाल के मैं इसको 2 मिनट 1 मिनट ढक के 1 मिनट खोल के भूनी हूँ, तो अच्छे से कढ़ाई छोड़ दिया मसाला। अब इसी स्टेज पे हम ये जो भिंडी फ्राई करके रखे हैं इसको डालेंगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना गैस स्लो करके। 1 गिलास में पानी डालूँगी। अगर आपको ऐसा सूखा खाना होगा
वो भी सही है। तो मैं थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगी, थोड़ी सी एक गिलास पानी में, क्योंकि मूंग दाल जल्दी से गल जाती है। आधा घंटा भिगाई भी थी और भिंडी भी सॉफ्ट एकदम। मैं एक गिलास पानी डाल के इसको पकाऊंगी। तो हम खोल के देखते हैं, माशाल्लाह सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। इतना सालन हमको चाहिए। अब हम आपको ऐसे चला के दिखाते हैं। देखो मूंग दाल भी गली नहीं है ज़्यादा, इसको एकदम गलाना नहीं है इस तरह से। अब हम गैस बंद करके इसमें ये कसूरी मेथी थोड़ा सा एक चम्मच, आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। हमारी अचारी मूंग दाल अचारी भिंडी मसाला बनके रेडी हो गया है हमारे तरीके से। तो एक बार ज़रूर बना के इसको खाओ और पूरे फैमिली को खिलाओ, इंशाल्लाह तारीफ बहुत मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन की घंटी पर प्रेस करो ताकि आगे अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।